बहुत समय पहले काशी नगरी में एक प्रसिद्ध रथकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम विश्वनाथ था। वह अत्यंत कुशल और मेहनती था और उसकी रथ बनाने की कला को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसकी कला में शिल्प की बारीकियां और निपुणता थी। विश्वनाथ के बनाए रथ इतने मजबूत और सुंदर होते कि दूर दूर से लोग उसके पास रथ बनवाने आते थे। उसके बनाए रथ महलों में, राजाओं के दरबारों में और युद्ध के मैदानों में चलाए जाते थे। परंतु इतनी कुशलता और परिश्रम के बावजूद विश्वनाथ और उसकी पत्नी लक्ष्मी की स्थिति ठीक नहीं थी। वे दोनों बेहद साधारण जीवन जी रहे थे। हर दिन की मेहनत के बाद भी विश्वनाथ का परिवार जैसे तैसे दो वक्त की रोटी जुटा पाता था। साथ ही उनके जीवन में एक और बड़ी कमी थी, संतान का अभाव। लक्ष्मी हमेशा से एक संतान की चाह रखती थी, लेकिन वर्षों बीत गए और उसकी गोद सूनी ही रही। लक्ष्मी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी थीं। उसे लगता था कि शायद उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। वह अक्सर उदास होकर सोचती, इतनी मेहनत, इतनी श्रद्धा, फिर भी न हमें धन मिला और न ही संतान। आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है। एक दिन जब लक्ष्मी अत्यधिक निराश थी, तभी उनके पड़ोस में रहने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें देखा। वह ब्राह्मण साधु प्रवृत्ति का था और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसने लक्ष्मी से पूछा, बेटी तुम इतनी दुखी क्यों हो, तुम्हारी आंखों में यह उदासी क्यों है। लक्ष्मी ने अपने दुख की पूरी कहानी ब्राह्मण को सुनाई। उसे सुनकर ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, वे देवताओं के महान शिल्पकार हैं और संसार के पहले वास्तुकार भी। उनकी कृपा से न केवल तुम्हें धन और समृद्धि मिलेगी, बल्कि तुम्हारी संतान की इच्छा भी पूरी होगी। अमावस्या के दिन उनका व्रत रखकर पूजा करो और उनका महत्व सुनो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। विश्वनाथ और लक्ष्मी ने ब्राह्मण की बात पर पूरा विश्वास किया। उन्होंने ठान लिया कि इस अमावस्या को वे पूरे विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करेंगे। अमावस्या का दिन आ गया। दोनों ने अपने घर की सफाई की, अपने औजारों और मशीनों की भी अच्छे से सफाई की और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। पूजा स्थल पर एक चौकी रखी गई, जिस पर लाल कपड़ा बिछाया गया। भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर को स्थापित कर उनके चरणों में फूलों की माला चढ़ाई गई। लक्ष्मी ने पूजा का सारा सामान बड़े प्रेम से सजाया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, लक्ष्मी ने हाथों में फूल और अक्षत लेकर भगवान का ध्यान करना शुरू किया। उसने मन ओम आधार शक्तपे नमः, ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः और ओम पृथ्वीयै नमः का जाप किया। उसके दिल में गहरी श्रद्धा और भगवान विश्वकर्मा के प्रति अटूट विश्वास था। पूजा के अंत में लक्ष्मी और विश्वनाथ ने अपनी आंखें बंद की और भगवान विश्वकर्मा से अपने दुखों को हरने की प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से विनती की कि उन्हें धन और संतान की प्राप्ति हो, ताकि उनका जीवन सुखमय हो सके। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद लक्ष्मी को एक अद्भुत समाचार मिला। उसे गर्भ ठहर गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान विश्वकर्मा की कृपा मानकर हर दिन उनका धन्यवाद करने लगी। जब समय आया तो लक्ष्मी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनकी संतान की प्राप्ति ने न केवल उनके परिवार में खुशी ला दी, बल्कि विश्वनाथ के काम में भी चमत्कारिक उन्नति हुई। अब उसके बनाए रथ और भी अधिक लोकप्रिय हो गए। राजा महाराजाओं के दरबार से उसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। उसकी मेहनत और भगवान की कृपा से उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसके घर में अब खुशियां ही खुशियां थीं। लक्ष्मी ने उस दिन को याद किया जब ब्राह्मण ने उन्हें भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने की सलाह दी थी। वह सोचती, यदि हमने भगवान की पूजा नहीं की होती तो न तो हमें संतान मिलती और न ही यह समृद्ध। भगवान विश्वकर्मा सचमुच महान हैं। वे सृष्टि के महान शिल्पकार और हमारे जीवन के उद्धारक हैं। जिस पुत्र को भगवान की कृपा से पाया था, वह असाधारण प्रतिभा का धनी निकला। उसे बचपन से ही रथों और शिल्प कला में विशेष रुचि थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से भी आगे बढ़कर एक ऐसी अद्वितीय रथ कला विकसित की जिसे आज भी याद किया जाता है। एक दिन काशी नगरी में एक महान राजा, जिसका नाम राजा चंद्रसेन था, ने युद्ध की तैयारी की। उन्होंने विश्वनाथ के पुत्र को बुलाकर कहा, मुझे ऐसा रथ चाहिए जो सबसे तेज हो, सबसे मजबूत हो और जो युद्ध में मेरी विजय सुनिश्चित करे। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो तुम्हें सोने से तौल दिया जाएगा। यह एक असाधारण चुनौती थी, लेकिन विश्वनाथ के पुत्र ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।
उसने अपने पिता की आशीर्वाद और भगवान विश्वकर्मा का ध्यान किया और रथ बनाने के कार्य में जुट गया। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक अद्भुत रथ का निर्माण किया, जिसे देखकर राजा चंद्रसेन चकित रह गए। वह रथ न केवल सुंदर था, बल्कि इतना हल्का और मजबूत था कि जैसे ही वह रथ पर बैठे, उन्हें ऐसा लगा मानो वे हवा में उड़ रहे हों। जब राजा उस रथ से युद्ध के मैदान में गए, तो उन्हें एक भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। वे विजयी होकर लौटे और उन्होंने विश्वनाथ और उनके पुत्र को सम्मानित किया। राजा ने न केवल उन्हें सोने से तौला, बल्कि उन्हें अपने राज दरबार का प्रमुख शिल्पकार भी नियुक्त किया। इस चमत्कारिक विजय के बाद काशी नगरी में विश्वनाथ और उनके पुत्र की ख्याति चारों ओर फैल गई। हर राजा और सामंत उनके पास रथ और शिल्पकला की मांग करने लगे। लोग मानने लगे कि उनके हाथों में भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद है, और सचमुच उनकी बनाई हर वस्तु में भगवान की दिव्य छवि दिखाई देती थी। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। काशी के लोग अब यह मानने लगे थे कि जिस घर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है, वहां किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। लोग विश्वकर्मा पूजा के लिए बड़ी श्रद्धा से जुटने लगे। हर वर्ष अमावस्या पर नगर के हर कोने में भगवान विश्वकर्मा के मंदिरों में भव्य आयोजन होने लगे। काशी नगरी की पहचान ही भगवान विश्वकर्मा के मंदिरों और उनके शिल्पकला के चमत्कारों से होने लगी। एक दिन विश्वनाथ के घर एक साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके व्यक्तित्व में असीम शांति। उसने कहा, तुम्हारे परिवार पर भगवान विश्वकर्मा की असीम कृपा है, पर याद रखना, भगवान का आशीर्वाद सदैव उन्हीं पर बना रहता है जो अपने कर्म और श्रद्धा में सच्चे होते हैं। इस कला को आगे बढ़ाते रहो और कभी घमंड मत करना, क्योंकि यही घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। साधु के ये शब्द सुनकर विश्वनाथ और उनका पुत्र नतमस्तक हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे कभी अपने इस चमत्कारिक आशीर्वाद को घमंड का विषय नहीं बनाएंगे और सदा भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते रहेंगे। आज भी काशी नगरी के लोग उस रथकार और उसके पुत्र की कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि उनकी वंश परंपरा ने शिल्प कला में इतना योगदान दिया कि उनका नाम अमर हो गया। विश्वकर्मा पूजा का दिन उनके परिवार की कथा के बिना अधूरा माना जाता है, और लोग इस पूजा को विशेष रूप से संपन्न करते हैं, ताकि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उनके जीवन में भी वही सुख, शांति और समृद्धि आ सके। और इस तरह भगवान विश्वकर्मा की कृपा से न केवल एक परिवार, बल्कि एक पूरी नगरी समृद्ध और विख्यात हो गई। और इस कथा ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची श्रद्धा, परिश्रम और भगवान का आशीर्वाद कैसे जीवन को बदल सकता है।